एक्चुअली और उसी ने अनफॉलो करा था पहले, तो मेरे को पता ही किसी ने भाई कि अनफॉलो। हेलो गाइस, तो कुछ एल्विश यादव का एक इंटरव्यू आया है जहां पर उनसे मनीषा रानी के बारे में पूछा गया और पूछा गया कि मनीषा रानी ने आपको इंस्टाग्राम पर अनफॉलो क्यों कर दिया था। तो वहां पर एल्विश यादव ने क्या कहा, क्या रिप्लाई दी इस बात पर, चलिए मैं आप लोग को वो इंटरव्यू दिखाता हूँ। रिसेंटली एक न्यूज आया की मनीषा रानी और आपने अनफॉलो कर दिया एक दूसरे को। Is there an issue? Because everybody, whenever I put up a story, everybody keeps telling me that please do an Elvisha interview. Because I was looking forward to that. But क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ है? नहीं यार, पता नहीं, मेरी बात नहीं हुई एक्चुअली और उसी ने अनफॉलो करा था पहले, तो मेरे को पता ही किसी ने भाई कि अनफॉलो कर दिया। मैंने कि पता नहीं क्या यार, अनफॉलो ये अपने को ना समझ नहीं आता ये चीज़ें कि दोस्ती या फिर किसी भी चीज़ पर कोई इशू हुआ। वैसे इशू भी नहीं था मेरे हिसाब से तो कुछ ऐसा कि अनफॉलो कर दिया ना, वो बच्चों वाली हरकतें लगती है मुझे कि छोटे बच्चे नहीं करते, अनफॉलो कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो ये है भाई, मैंने तो करा नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों एल्विश यादव ने बताया कि जब उनके ऊपर पुलिस की कार्रवाई वगैरह हो रही, जब वो जेल में चले गए थे, तब मनीषा रानी ने उनको इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया था। हालांकि क्यों अनफॉलो किया इसके बारे में कोई रीजन तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये कहा किस तरह से फॉलो करना, अनफॉलो करना, ब्लॉक करना उनको ये बच्चों वाली हरकत लगती है। फिलहाल अब इस पर आपकी क्या राय है, एल्विश यादव ने जो कहा इस पर आप क्या कहना चाहोगे, आप लोग आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।